तो शुरू में सर आपने कितने टैंक लगाए? हमने 8 टैंक से शुरुआत, 8 शुरू किए जी। उसके बाद कितने बढ़ाए? अब हमारे पास 80 टैंक के बराबर का इस यहाँ प्रोजेक्ट। जब भी आपकी हार्वेस्टिंग होती है तो आप 10 टैंक बढ़ाइए। जब आप एक सपोज कीजिए, अगर आप 100-200 किलो मछली भी एक टैंक से पालते हैं, अगर आपके पास 50 टैंक है तो आपकी 100 क्विंटल हो गई। 100 क्विंटल मछली 10 लाख रुपए की जाती है। मैं ये कम से कम बता, हमने 8 लगाए, हमने सीड मंगवाया, हमारे 8 टैंक का सारा बच्चा मर गया था। लेकिन जो मेरे कॉन्टेक्ट में लोग हैं जो मछली का काम कर रहे हैं, चाहे वो तालाबों से ही क्यों ना कर रहे हो, हम भी उनके साथ कर रहे हैं, सीख रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर दोबारा से खड़ा किया कि आप मछली एक ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपको डबो देगा, आप इस काम को आगे बढ़ाइए। मैंने दोबारा से सीड मंगवा के और दोबारा से डाला, और उसके साथ साथ मैंने कुछ टैंक और लगाए तो मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए चल रहा है। हमारी 1.5 एकड़ में साइट है, ले एक साइट हमने अभी हमारे जो दिल्ली हाईवे का रोड लगता है वहाँ स्टार्ट की है, वहाँ हमने टैंक बना दिए हैं और रहने के लिए। दोस्तों बायोफ्लो के बारे में बताना चाहूँगा मैं, कोई भी भाई अगर बायोफ्लो का काम शुरू करता है तो हम, या फिर हम किसी भी बिजनेस में काम शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा इशू होता है कि हम सबसे पहले पॉइंट पूछते हैं कि इसमें बचत कितनी आएगी। और मैं कहूँगा जो बचत की बात सोचता है उसे नौकरी कर लेना चाहिए। बिजनेस अपने आप में एक रिस्क होता है। रिस्क किसके लिए नहीं होता है? जो उस काम को पूर्णतः सीख लेता है या फिर धीरे धीरे उसको सीखते जाता है। आप कोई भी काम कर शुरू करते हैं उसमें अच्छे से सीखें पहले। जैसे बायोफ्लो का काम है, आप सिखलाई करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तालाब में कोई फार्मिंग करता है, मछली अपने आप में एक प्रॉफिट का काम है। अगर प्रॉफिट का काम नहीं होता तो ये गाँव में जोहड़ होते हैं, वहाँ से तालाब में कोई मछली नहीं पालता। बड़े बड़े मछली पालक हैं, वो बड़े बड़े डैम को किराए पर लेते हैं और अपनी मछलियाँ वहाँ पालते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट का काम है। बायोफ्लोक इससे एडवांस है क्योंकि इसमें फ्लोक को यूज़ करके FCR को कम करके और अच्छा खासा मुनाफा ज़्यादा कमाया जाता है, बशर्ते कि इसमें टर्म्स कंडीशन क्या लागू हैं आपको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। या तो आपके टच में कोई ऐसे फार्मर हो जो पहले से इस लाइन में काम कर रहे हो, कोई तालाब में करने वाले हो, या फिर अच्छा खासा कोई शिक्षक हो जिसने इस लाइन में काम किया हो। तो राजकुमार जी के पास मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, उनसे मिलवाते हैं कि वो कितने टाइम से काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं और क्या कुछ बताते हैं मछली पालन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी जगह जाओ और सभी जगह तसल्ली करो, सीखो। काम शुरू करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में सिखलाई जरूर ले लें, क्योंकि पैसे यूँ ही नहीं आते हैं। हर एक बंदा अपने पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करता है, किसी के पास भी कैश सेविंग नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। राजकुमार जी, बायोफ्लोक के बारे में मैं बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है जी, आपकी बनाई है और कई सारे फार्मर्स की बनाई है। तो मैं एक्चुअल में मेरा मन करता है कि मैं थोड़ी बातें और कुरेद के निकालूं और पूछूं आपसे कि सही में बायोफ्लोक एक सक्सेसफुल है या नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं नहीं चाहता किसी किसान का, किसी फार्मर का कहीं पर नुकसान हो। क्योंकि आज बंदा कहीं से उधार पैसे लेता है, अपनी पूंजी बहुत कम किसी के पास होती है, किसी रिश्तेदार से, किसी बैंक से, कैसे भी करके व्यवस्था करके अपना काम शुरू करता है। अगर उस काम में नुकसान हो जाता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि बंदे को कितनी परेशानी आती है। तो क्या क्या एक मतलब सही पोजीशन आप मुझे दिल से बताएं कि भी क्या पोजीशन है बायोफ्लोक की? सर पहले तो आपका स्वागत है, और आप भी शुरू से आ रहे हैं हमारे फार्म पर, लेकिन आप देखते भी हैं। होता क्या है किसान भाई के साथ या कोई भी काम करता है उसके साथ, होता क्या है कि YouTube पे एक वीडियो देख ली, हाँ जी, और वीडियो देखने में बड़ी सुंदर लगती है, हाँ जी, उस पर दिखाया जाता है कि इतने लगाओ इतने कमाओ, उसके चक्कर में आके एक आम आदमी फंस जाता है और वो बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहता है। सबसे बड़ा रीज़न यही है आज के दिन बायोफ्लोक का। और जब वो बंदा लगाने की सोचता है तो पहले फ़ोन करता है कि सामान किसके पास मिलेगा, हाँ। और सामान जब कॉल लगाता है तो उसको एस्टिमेट बताया जाता है कि आपके 30,000-40,000 रुपये एक टैंक के लगेंगे। वो बंदा कैसे एडजस्टमेंट करके 5 या 10 टैंक लगा लेता है, हाँ जी। और लगाने के बाद उसको असली परेशानी आती है तब वो सीड डालता है, हाँ जी। सीड एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी ने सीड पाल लिया तो समझो फार्मिंग कर ली, वो सीड मर जाता है कहीं ना कहीं आके, ऐसी स्टेज आती है, क्योंकि उसको रियल में यही नहीं पता है कि ये आपका बच्चा चाहता क्या है। उस चक्कर में आके उसका सारा सीड मर जाता है, और सीड एक पैसे का तो आता नहीं। सीड में क्या होता है, सिर्फ सबसे बड़ा घपला सीड का ही है। अगर बंदे ने 10 टैंक का सीड मंगवाया तो उससे 1 से 1.5 लाख रुपये ले लिए जाते हैं, अच्छा जी जी। और उसके बाद में जब उसका सीड आता है ट्रांसपोर्ट से, वो बड़ा स्ट्रेस रूप में होता है।
स्ट्रेस रूप में होने के कारण अगर उसको आपने बाई दुए ज़्यादा खाना भी डाल दिया तो भी आपकी सारी मोर्टलिटी हो सकती है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ध्यान में नहीं रखते हैं और लॉस का कारण यही है। और दूसरा क्या होता है कि कहीं से आपने पैसे उठा लिए, पैसे उठाने के बाद आपने एक सेटअप लगा लिया, सेटअप तो लगा लिया आपने लेकिन आपके पास ना ही तो फीड के पैसे हैं और ना ही आपके पास आगे कोई जुगाड़ है। आप लोगों से पैसे उधार लेकर के आप इस काम में लगाते हैं तो आपका माइंड दो तरह से हो जाता है। एक तो ये कि मैंने उसके पैसे देने हैं, मेरा जल्दी से जल्दी माल तैयार हो, लेकिन मछली कोई एक दिन में तैयार नहीं होती है। आपको एक प्लानिंग के हिसाब से चलना होगा। प्लानिंग क्या होगी कि पहले तो आप एक सेटअप लगाएं, उससे पहले आप सीखें और आप उससे पहले एक अपनी नर्सरी बनाएं खुद की। कहीं से अगर हम बच्चा लेके भी आते हैं, आपको मैं एक सच बता देता हूँ, बायोफ्लो के अंदर जो आज धांधली चल रही है वो इतना इतना एक या डेढ़ इंची बच्चा मंगवा लेते हैं, वो बच्चा कभी सक्सेस नहीं है। मैं लिख के देता हूँ जी, आप लिखवा के ले लीजिए, वो बच्चा आपसे बायोफ्लोक में कभी नहीं पड़ेगा। वो एक ऐसी स्टेज में आ जाएगा कि 150 ग्राम 200 ग्राम पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। उसके रीज़न कई हैं, एक तो आप ज़्यादा सीड डाल लेते हैं। आप सोचिए कि 1500 से 2000 आप मछली डालते हैं एक टाइम। सर शुरुआत में जी राजकुमार जी, शुरुआत से जानना चाहूँगा, कोई फार्मर इस काम को नया करना चाहता है, उसको बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, तो कैसे शुरुआत करेगा? सर पहले तो जायज़ बंदा देखे, पहले ये उसकी हिस्ट्री निकाले कि ये बंदा मछली पालन में कितने दिन से है और इसने क्या किया है, इसके पास क्या रिक्रूटमेंट है, ये क्या कर सकता है, उससे भी मिले और 10 लोगों से ऐसे मिले जिनका आप नज़दीक जा करके या दूर जा करके रियल में आप ग्राउंड स्तर पे उसका काम देख सकते हैं, फिर जाके आप माइंड बनाएं। उस सेटअप लगाने से पहले आपको सीखना ज़रूरी है, पानी और बच्चे मछली के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आप कौन सा ब्रीड किस प्रकार से पाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भाई असल में बायोफ्लोक शुरुआत करना चाहता है तो मैं आपको, मैंने पहले भी मेरे पास जो किसान भाई आते हैं मैं उनको सुना देता हूँ। सपोज कीजिए आपने किसी भी तरीके से 15 से 20 टैंक एक बार लगा लिए, आप ये मत सोचिए कि मेरी 6 महीने में कमाई आएगी और मैं उसको घर में लेकर जाऊँगा, इस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि साइलेंट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, आपके खर्चे इतने हो जाएंगे। लेकिन आप उसके साथ साथ एक काम कीजिए, 10 टैंक आप हर जब भी आपकी हार्वेस्टिंग होती है तो आप 10 टैंक बढ़ाइए। जब आप एक सपोज कीजिए, अगर आप 100-200 किलो मछली भी एक टैंक से पालते हैं, अगर आपके पास 50 टैंक है तो आपकी 100 क्विंटल हो गई, 100 क्विंटल मछली 10 लाख रुपये की जाती है, मैं ये कम से कम बता रहा हूँ। सीखने के लिए आप एक काम कीजिए, पहले आप एक सेटअप लगाइए जहाँ सारी सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, वाटर अच्छा हो और आपके मार्केट के कोई नज़दीक भी हो। उसके साथ साथ एक छोटी नर्सरी लगाइए। नर्सरी में आप क्या करेंगे, जैसे कि आप 1-8 डायमीटर का टैंक लगा लेते हैं अपने सेटअप के साथ, तो उसमें आप क्या करेंगे, जिस दिन आप बच्चा अपने टैंक में डालते हैं उसी दिन बच्चा आप नर्सरी में डालिए। उस दिन जब तक आपकी हार्वेस्टिंग होगी उसमें 5 से 6 महीने 7 महीने चले जाएंगे आपके और वो बच्चा आपका 100 से 150 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक समय ले चुका होगा वो 7 महीने का, जब वो समय उसके 7 महीने निकल जाएंगे और 100 से 150 ग्राम अगर आप बायोफ्लोक में लेके आते हैं तो आप मेरी मानिए आप 5 महीने 6 महीने में उसकी हार्वेस्टिंग कर निकाल देंगे। ये सच्चाई है, आपको एक प्लानिंग के हिसाब से चलना होगा। सर इसके बारे में शुरुआत में सबसे पहले कहीं ना कहीं बंदा सीख ले इसके बारे में। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपने कैसे शुरुआत की थी? हमने, आप देख रहे हैं पीछे, हमने 8 टैंक से शुरुआत की थी। हाँ जी, स्टार्टिंग में जब हमने 8 लगाए, हमने सीड मंगवाया, हमारे 8 टैंक का सारा बच्चा मर गया था, लेकिन जो मेरे कॉन्टेक्ट में लोग हैं जो मछली का काम कर रहे हैं, चाहे वो तालाबों से ही क्यों ना कर रहे हो, हम भी उनके साथ कर रहे हैं, सीख रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर दोबारा से खड़ा किया कि आप, मछली एक ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपको डबो देगा, आप इस काम को आगे बढ़ाइए। मैंने दोबारा से सीड मंगवा के और दोबारा से डाला और उसके साथ साथ मैंने कुछ टैंक और लगाए तो मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ और ये हमारी 1.5 एकड़ में साइट है, ले एक साइट हमने अभी हमारे जो दिल्ली हाईवे का रोड लगता है वहाँ स्टार्ट की है, वहाँ हमने टैंक बना दिए हैं और रहने के लिए व्यवस्था कर दी है। ठीक है जी। तो शुरू में सर आपने कितने टैंक लगाए? हमने 8 टैंक से शुरुआत, 8 शुरू किए जी। उसके बाद कितने बढ़ाए? अब हमारे पास 80 टैंक के बराबर का इस यहाँ प्रोजेक्ट है। 80 टैंक के बराबर जी, जी। ये सीमेंट टैंक आपने बाद में लगाए? जी ये बाद में लगाए। तो क्या वो जो टैंक आपने बनाए थे प्लास्टिक के, जो डायमीटर के बनाए थे सर्कल में जी, उसका विकल्प है या फिर आपने इसमें क्या मात्रा बढ़ाई है? सर
बहुत ज़्यादा क्योरी है लोगों की है, क्या हम सीमेंट टैंक में कर सकते हैं? हाँ जी, हमने किया तो है नहीं, हमने एक साल तक किसी को कुछ नहीं बताया था, एक साल तक हमने यहाँ भी अपने गांव में भी ये लोगों को ये नहीं पता था कि ये लोग करेंगे क्या, एक साल के बाद बताना शुरू किया था। और सीमेंट टैंक बनाने का यही एक रीज़न है कि लोग कह रहे हैं सीमेंट टैंक में क्या होगा। हमने आपके सामने अभी पिछले हमारे तालाब से हार्वेस्टिंग हुई थी, कुछ मछलियाँ हमने 30-40 क्विंटल हमने रख ली है यहीं से बेचने के लिए, ठीक है, और वो डाल के देखिए आप देख रहे हैं इनमें कोई ऑक्सीजन का हमने किसी प्रकार का प्रयोग नहीं कर रखा है। ज़्यादा पानी होने के कारण ये सही भी है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी दिक्कत करेंगे क्योंकि दीवारें हैं इसकी ठंडी हो जाएंगी। हाँ जी, और आपको मछली रखने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजन कमी हो जाएगी शायद उस समय। आपसे भी कोई जानकारी लेना चाहे तो अभी आपने लॉकडाउन की वजह से कुछ नया तरीका प्रोसीजर किया है, तो वो क्या फॉर्मूला रहेगा? सर हम हो चुके हैं परेशान, क्यों हो चुके हैं? क्योंकि लोग पहले जाते हैं कहीं और नुकसान होता है तब हमारे पास आते हैं, हम ये सोचते हैं ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक आदमी 5 से 10 लाख रुपए लगा के हमारे पास आता है और उन बड़ा ही निराश और हताश होता है, उसको खड़ा करना बड़ा ही मुश्किल है। बिल्कुल, अगर किसी बंदे के अगर नुकसान लॉस हो जाता है तो दोबारा खड़ा होना नामुमकिन है, उसको अगर हम समझाते हैं कि आप इस तरह से चलिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक किसान हमारे पास आए थे, वो बोले भाई साहब हमने 12 टैंक लगाए हैं, 12 टैंक लगाए हैं, तो जिस बंदे ने हमारे टैंक लगवाए थे वो उस बंदे ने हमें सिर्फ टैंक लगाने के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये तो हमारे एक टैंक से ले लिए। हाँ जी। और 4 लाख रुपए का हमारा बच्चा मंगवा दिया। हाँ जी। ऐसा कौन सा बच्चा मंगवा दिया जी, 12 टैंक के लिए 4 लाख का बच्चा, कमाई नहीं होगी 4 लाख की तो? बिल्कुल सही है, 12 टैंक से आप 4 लाख कमा नहीं सकते, आपने बच्चे में लगा दिए तो कौन सी आपकी ये सावधानी है? तो हमने उनको दोबारा से खड़ा किया है, हमने उनको कॉमन कार्प का सीड दिया है जो इजली हमारे पास 20 से 30 या 40 पैसे का था उस टाइम पे, वो दिया है, आज उसकी कॉमन कारप 50 से 60 ग्राम की है। हाँ, और अच्छी चल रही है और वो किसान खुश है कि मेरा कम से कम काम तो चला। इस तरह के हमारे हरियाणा में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर के लोग बड़े ही तेज़ हैं, हमारे हरियाणा के लोग भोले वाले हैं और जल्दी ही किसी की बातों में आ करके फंस जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है। और सबसे पहले क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल कि बंदा आखिर में क्या है, क्या कर रहा है और उसने क्या कर सकता है। आप अगर आपके पास पूंजी है, अगर आपके पास जैसे आपने 10 लाख रुपए इस सेटअप पे लगाने हैं, अगर आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए हैं तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप 1-2 टैंक से शुरुआत करना चाहते हैं तो भी 2 टैंक का बैकअप आपके पास पहले होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि परेशानियाँ जब आप नए हो तो परेशानियाँ तो जाहिर है कि आपको परेशानी। क्या प्रोसीजर रहेगा, कोई आपसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहे बायोफ्लो के बारे में, तो आप कैसे लोगों को सहूलियत दे पाते हैं? जी, हम जो हमने सीखा आज तक, जो हम कर रहे हैं, जो हमने निकाला है उसी वेज पे हम बताते हैं। और हमारी एक माइनर सी कॉस्ट है 1199 रुपये, वो क्यों रखी है? क्योंकि जो वेबसाइट होती है, हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका एक खर्चा होता है। हाँ जी। और जो बंदा इसको मॉनिटर कर रहा है उसको भी हमें सैलरी प्रोवाइड करानी पड़ती है। एक आम आदमी के लिए, कोई अगर सेटअप करना चाहता है, काम सीखना चाहता है, एक आम आदमी के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, 1199 रुपये हर व्यक्ति पे कर सकता है। और लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आप आसाम से आ रहे हैं, आपका 5 से 10 हज़ार रुपये तो ट्रैवल में खर्च हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद में आप यहाँ आएंगे, जब तक आप घर जाएंगे सीख करके आधा आप भूल सकते हैं और वही बातें आप यहाँ पे सिखाएंगे वही बातें। लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या है कि हमारा जो डैशबोर्ड होता है उस पर आपके, आज आपने एक वीडियो देखी, वो वीडियो आपके पास परमानेंट सेव हो गई। ठीक है। भविष्य में आप कोई भी काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आप अपना ID पासवर्ड से डैशबोर्ड खोलिए और देख लीजिए क्या पॉइंट था। हाँ जी। अगर उस पॉइंट से आराम नहीं होता है उसके जिम्मेदार हम हैं। बिल्कुल ठीक जी, मतलब उसमें सारी तरह की वीडियोस हैं। बिल्कुल, उससे और उसके पास वो लाइफ टाइम रहेगी। लाइफ टाइम, ये नहीं है कि आपका कोई ट्रेनिंग के बाद आपका बंद हो जाएगा। और अपडेट ही जिंदगी है, कोई भी किसी प्रकार की हमारे पास बायोफ्लो की अपडेट होती है या कोई हम इसमें कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी हम आपको उसी साइट पर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है जी। तो राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर।